हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं और यह है 2000 साल पुरानी बौद्ध गुफा। आप जो मेरे पीछे में देख रहे हैं, यह बौद्ध गुफा है और हम आ चुके हैं विजासन केव में और ये चंद्रपुर के नज़दीक में है और चंद्रपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर विजासन टेकड़ी के नाम से विजासन केव्स है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं भव्य केव जो है और इधर में आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रांगण है, बहुत बड़ी जगह है। इधर में जो है एक बौद्ध विहार है और इधर में भी खुली जगह है। इधर में एक ऑफिस है, इस ओर एक छोटा सा ऑफिस है, इधर में पूरी खुली जगह है। इधर भी देख सकते हैं आप और कुछ जो है यहाँ पर पेड़ जो है वो पेड़ लगाए गए हैं जिसके छाव में जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तो हम अभी जो है केव्स की ओर चलते हैं और यहाँ से लगभग हमको चलने के लिए 14 से 15 सीढ़ियाँ जो है चढ़कर हमको केव की ओर जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं हम अभी। जो देख रहे हैं यहाँ ESI का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ ये जो क्षेत्र है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रतिबंधित और नियमन क्षेत्र लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है कुछ रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ तो यह जो विजासन केव है यह 2000 साल पुरानी सातवाहनकालीन केव है दोस्तों और इसको सातवाहन काल के जो राजा है वह सातकर्णी ने बनवाया था और पांडु वंश के शासक उदयन के जो पोते थे भवदेव, इन्होंने इस बौद्ध गुफा का जीर्णोद्धार किया था। तो चलो चलते हैं हम इस गुफा की ओर। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ से लगभग 14 सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को चढ़ के हमको उस गुफा के पास पहुँचना पड़ेगा। तो चलते हैं। इस ओर से भी चल सकते हैं हम, साइड से ये जो सीढ़ियाँ हैं वो तो बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ हैं, नज़दीक नज़दीक नहीं है, इस वजह से जो सीढ़ियाँ हैं वो कम है। अगर इनको नज़दीक नज़दीक बनाया जाए तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हो जाएगी। तो हम अभी यहाँ पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं पर्यटक जो है इस साइड से जो है साइड से चढ़ के सीधे ऊपर पहाड़ी के ऊपर में चढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ से भी जा सकते हैं और फिर उसके अंदर जाने के लिए यहाँ से गेट दिया है, उस गेट के अंदर से हम जा सकते हैं। और दोस्तों, इतनी कड़ी धूप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पर्यटक जो है यहाँ पर आते हैं इस विजासन केव में आप देख सकते हैं, और धूप में भी जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं उस ओर गेट है, वहाँ से आते हैं ऊपर में और इधर की ओर चढ़ के जाते हैं, देख सकते हैं ऊपर में। तो हमको ऊपर की ओर चलना है दोस्तों, इस ओर। तो दोस्तों, लेनी के ऊपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्तूप उतरा है, उकेरा हुआ है और एक साइड में कलश है और उसके नीचे में भी है कुछ उकेरा गया था और ESI ने जो है उसको सीमेंट लगाकर पैक किया है। इस तरह से यह बौद्ध लेनी है, आप देख सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी बड़ी है। और यह विजासन इस गाँव से लगी हुई है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, आप बाजू में देख सकते हैं गाँव बसा हुआ है। और इतनी गर्मी में भी जो है यहाँ पर जो पर्यटक जो है यहाँ पर आते हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम अभी केव के अंदर में जा रहे हैं, तो पहले सीधे अंदर जाते हैं। तो चलो, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमको नीचे उतरना है, 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे और आप देख सकते हैं इधर में एक कप्पी है और इस साइड में दोनों साइड में जो है कप्पी होने के बाद में जो है मेन एंट्रेंस गेट है। तो हम अभी अंदर की ओर चलते हैं। तो यहाँ आने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं लेनी के जस्ट लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं तो पाली प्राकृत भाषा में जो है यहाँ पर कुछ उकेरा गया है। तो आप देख सकते हैं इस और लेफ्ट साइड में
पाली प्राकृत भाषा में जो है यहाँ पर कुछ उकेरा गया है, और कुछ जो यहाँ पर आते हैं जिन्होंने जिस समय यहाँ पर ASI ने ध्यान नहीं दिया, तो आप देख सकते हैं कि लड़कों ने जो है कुछ अंग्रेजी और हिंदी में जो है यहाँ पर उकेरा है, वो गलत है। चलो हम अभी अंदर की ओर चलते हैं। तो ये जो है यहाँ पर पहली कप्पी है जिसमें बौद्ध भिक्षु जो है वो ध्यान किया करते थे। तो हम जो है इधर में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से है दोस्तों। तो इधर में आप जब आएंगे अंदर में तो आप देख सकते हैं इस तरह की गुहा है, यहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु जो है यहाँ पर ध्यान किया करते थे। और यहाँ पर इतनी गर्मी में भी आने के बाद में दोस्तों बहुत ठंडक है यहाँ पर, और इस तरह से यह गुफा है बहुत बड़ी है। और यहाँ पर जो है एक साथ लगभग कम से कम 15-20 बौद्ध भिक्षु यहाँ पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं, इतनी बड़ी एक ही गुफा है यह। इस तरह की और भी गुफाएं हैं, ये तो पहली है आप देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो है ये एक खलबत्ता है खल की तरह। चलो हम अभी दूसरी ओर चलते हैं, हम और आगे आते हैं तो आप देख सकते हैं इधर एक दूसरी है गुफा। और यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध की क्षत विक्षत जो है वो प्रतिमा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और यह प्रतिमा भगवान बुद्ध की है क्योंकि आप ये सर पर देख सकते हैं इस तरह के जो है जो बबल्स है, इससे समझ में आ जाता है कि यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। और आप देख सकते हैं इस तरह से यह दूसरी गुफा है, तीसरी गुफा है यहाँ पर, ये भी इस तरह की है। और ऊपर तक आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गुफा बनाई है, और इसको बनाने में भी जितने साल लगे होंगे आप देख सकते हैं। तो तीसरी गुफा है यहाँ पर, यहाँ पर भी बौद्ध भिक्षु बैठते होंगे। और ये लेफ्ट साइड की है, इस साइड में आप देख सकते हैं दूसरे साइड में यहाँ पर भी है, ये चौथी है इस तरह से। इधर में भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी बड़ी है। तो इन गुहाओं में जो है बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते थे, इस तरह से जो है 1, 2, 3, 4, 5 जो है दोस्तों गुहाएं हैं जो बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते थे। तो दोस्तों हम अभी आगे और चलते हैं, और भगवान बुद्ध की जो है वो प्रतिमा देखनी है। दृश्य में सुनते हैं यहाँ पर हम 3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में उनकी ओर चल रहे हैं, और इधर में हम देखते हैं इधर में जो है इस तरह की इधर में भी गुफाएं हैं, और ये इधर में एंट्रेंस गेट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो यहाँ पर इस तरह से कितनी बड़ी प्रतिमा उकेरी गई है यहाँ पर देख सकते हैं। और ये ध्यान मुद्रा में है प्रतिमा, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी प्रतिमा है दोस्तों। और यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर फूल और मोमबत्ती जो है यहाँ पर अवश्य जलाते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह की। और काफी बड़ी प्रतिमा है यह, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ASI ने जो है वो लाइट की व्यवस्था किया है क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा है, और अंधेरा होने की वजह से ये जो प्रतिमा है वो दिखाई नहीं देती, तो इस तरह से लाइट की व्यवस्था ASI ने किया है। तो इस तरह की यहाँ विजयासन की वजह से दोस्तों और भी बाकी है दोस्तों, वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, और भी वीडियो बाकी है। तो चलो चलते हैं और दूसरी ओर। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि विजयासन जो केव्स है यह 2वीं शताब्दी में बनाया गया था, और यह सातवाहन कालीन बनाई गई थी। और कहा जाता है कि सातकर्णी राजाओं ने तो इसको बनाया था, लेकिन पांडुवंश के शासक उदयन के पोते भवदेव ने इस बौद्ध गुफा का जीर्णोद्धार किया था दोस्तों, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर इस बौद्ध गुफा में चीनी जो पर्यटक थे वो खायन जो है इस गुफा में अवश्य यहाँ पर बैठ दे चुके हैं वो, और जो ब्रिटिश जनरल थे कनिंघम ने भी यहाँ का दौरा किया था, और इस विजयासन की उसका भी उन्होंने भ्रमण किया था दोस्तों। तो चलो चलते हैं हम और दूसरी ओर। दोस्तों इस विजयासन केव्स में दाई जो गुफा है
यह 47 फीट है और 22 गुफा है वो 35 फीट लंबी है। और ऊपर में आप देख सकते हैं तो यह पूरा जो है 74 जो फीट लंबी जो है ये इस तरह की गुफा है दोस्तों, यहाँ से लेके अंदर तक मूर्ति तक। तो दोस्तों गुफा के लेफ्ट और राइट साइड में और भी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, तो हम आपको इधर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बड़ी प्रतिमा है और यहाँ पर भी दो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में यहाँ पर भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा गिरी गई है। और ये देखते हैं आप कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। और यहाँ पर पर्यटक जो आते हैं यहाँ भगवान बुद्ध को आप नमन करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं, ध्यान करते हैं कुछ देर तक, आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान करते हुए और इतनी कड़ी गर्मी में भी यहाँ पर देख सकते हैं आलिशान यहाँ पर ठंडक है, यहाँ जरा सी भी गर्मी नहीं है। और आप ये प्रतिमा देख सकते हैं और यहाँ पर भी जो है ESI ने लाइट की व्यवस्था किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट लगी हुई है। और ये जो प्रतिमा है अभी इसको 2000 साल से भी अधिक समय हो चुका है और प्रतिमा जो है थोड़ी थोड़ी जो है खराब होने जा रही है, आप देख सकते हैं। तो हम तीसरी ओर आए हैं, इधर में भी गुफा है बहुत बड़ी और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। दोस्तों आप एक बार यहाँ अवश्य आइए और आप देख सकते हैं किस तरह से गुफा है ये और इसको 6,000 से 7,000 साल लगे होंगे इसको उकेरने के लिए, आप देख सकते हैं। और बहुत बड़ी गुफा है, आप देख सकते हैं हाथ फैला कर भी चलेंगे तो इतनी बड़ी है और ऊंचाई भी देख सकते हैं मेरे से भी ऊंचा है, वो ऊपर है गुफा। और यहाँ पर जो है सिंहासन पे आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। और कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सालों तक जो है जैन लोगों ने भी यहाँ पर कब्जा किया था और उन्होंने भी कहा था कि ये जो विजयसन केव्स है यह जैनों की है। तो यहाँ पर बौद्ध लोगों ने भी जो है इसका इसके ऊपर में आक्षेप किया लिया था और ये जो केस है ये कोर्ट में चला। आखिरकार इस केस को जो है बौद्ध समुदाय ने जीत लिया है। तो यह जो केव्स है यह बुद्धिस्ट केव के नाम से अभी प्रसिद्ध हो चुके हैं और इस तरह से विजयसन केव्स है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ESI ने लाइट की व्यवस्था किया है, अगर लाइट नहीं होता तो हम अंधेरे में भी यहाँ देख नहीं पाते। तो आप अवश्य यहाँ पर विजयसन केव्स को आकर आप एक बार विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो अभी हम वो चलते अब तल इसको सीमेंटीकरण किया है इस तरह से। और इधर में जो है इधर में क्या चीज है, सामान रखा है। इधर में भी एक गुफा थी आप देख सकते हैं इस तरह से। अभी यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी जो गार्ड है वो सोते होंगे तो उनका सामान रखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से नक्काशी किए हुए, ये आप देख सकते हैं दोनों साइड में है दोस्तों इस तरह से। यह विजयसन केव्स है, इतने आकर्षक और भव्य बनी हुई है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर। और इधर में क्या है, इधर में ये यहाँ पे भी कुछ लोगों ने ये गलत किया है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। Thank you.
दोस्तों आप इस विजयसेन केव्स को देख सकते हैं, एक पूरा पहाड़ का पत्थर काट कर ये जो है ये केव का निर्माण किया था, किया है इस केव गुफा का। और यहाँ का मलबा कहाँ गया होगा, आप सोच सकते हैं कि ये यहाँ का मलबा कहाँ गया इतना बड़ा, और कैसे क्या इन्होंने उसको कह रहा होगा अंदाजा लगा सकते हैं आप, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। और वो प्रतिमा को संवारना और उसको भी उकेरना बहुत बड़ी कला है दोस्तों, और यही खासियत विजयसेन केव्स की है। और यह जो विजयसेन केव्स है, यह अन्य धर्म के जो लोग थे उन्होंने भी इसके ऊपर में कब्जा किया था और कर भी रहे हैं। भारत में जितनी भी बौद्ध की जितनी भी संस्कृति है उसका जो है खात्मा किया जा रहा है, हर जगह पे जो है वो ब्राह्मणिज्म फैलाया जा रहा है। अभी यहाँ पर जो नस्तिक में देउलवाड़ा है, देउलवाड़ा की जो गुफा है वहाँ पर भी जो है हिंदू लोगों ने कब्जा किया है, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ तक जाने की। तो चलो अभी हम ऊपर की ओर चलते हैं पहाड़ी में, चलो। तो पहाड़ी के ऊपर में भी जो प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, तो हम सीढ़ी छोड़कर इस साइड से जा सकते हैं या उस ओर से भी जा सकते हैं, तो हम इधर की ओर चलते हैं, हम यहाँ से जाते हैं हम सीधे ऊपर। तो दोस्तों हम इस ओर से चलते हैं और मेरे पैरों में आप देख सकते हैं शूज पहना हुआ है, और हम इस साइड से जाते हैं जहाँ से छोटी छोटी सीढ़ी जैसे पत्थर है, पत्थरों से चढ़कर हम जा रहे हैं इधर से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर से कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं हम, और इतनी गर्मी में भी जो है पर्यटक आए हैं यहाँ पर, और हमको अभी ऊपर चलना है यहाँ से और इतनी ऊपर ऊंचाई पर, तो चलो चलते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से ऊपर चलना है इस तरह से रास्ता बनाते हुए, इन पत्थरों को पार करते हुए। तो हम आ चुके हैं अभी ऊपर, आ गए ऊपर में। वाओ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्डन प्रतिमा रखी हुई है भगवान बुद्ध की। बहुत ब्यूटीफुल। और आप ये पंचशील ध्वज भी देख सकते हैं भगवान बुद्ध का इस तरह से, और आसमान देख सकते हैं आप, सूरज जो है बादलों में इधर छुप चुका है, फिर भी गर्मी बहुत है। और इस तरह से यह प्रतिमा है दोस्तों। बहुत सुंदर। और यह पहाड़ के ऊपर में है दोस्तों यह प्रतिमा, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ से शहर भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। तो दोस्तों इतनी ऊंचाई से आप देख सकते हैं भद्रावती या शहर दिखाई देता है, और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। और बाजू में ही जो है एक तालाब है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नज़दीक ही तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है।
और बाजू से जो है वो रेलवे ट्रैक है, उधर से ट्रेन जाती है। और इस तरह से यहाँ भगवान बुद्ध की इस विजासन के उसके ऊपर में यह प्रतिमा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ विजासन केव्स है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ऊपर से आ चुका हूँ, ये जो विजासन केव्स हैं आप देख सकते हैं ऊपर, वहाँ से ऊपर से मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ का विस्तृत मैंने वीडियो दिखा दिया है। और अभी हम चलते हैं दूसरी जगह पे। तो दोस्तों आज की यहाँ विजासन केव्स की यहाँ वीडियो थी, और यह वीडियो भरी दुख में मैंने बनाया है आपके लिए, क्योंकि मुझे रहा नहीं जाता है और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे आर्थिक मदद की जरूरत है तो आप छोटी सी मदद जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय भीम नमो भूताय।